हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कोस्ट गार्ड के बारे में, सारी जानकारी देने वाले हैं। कोस्ट गार्ड का क्या सिलेबस होता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, पेपर को कैसे निकालना है, न्यू ईयर में वैकेंसी कौन सी आने वाली है, कब आने वाली है, प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से मिलेंगे और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रहती है। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कोस्ट गार्ड डीवी के सिलेबस से। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिलेबस में मैथ के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, साइंस के 10, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं। इनका जो लेवल होता है वो 10th क्लास तक का होता है। जैसे कि साइंस है तो साइंस में जो क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, वो 10th लेवल के आएंगे, यानी आपके 8वीं 9वीं 10वीं और 7वीं क्लास की किताबों से आएंगे। और जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी 10वीं के लेवल के जाएंगे कोस्ट गार्ड डीवी में। अब हम बात करते हैं कोस्ट गार्ड जीडी की। 25 फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं और 25 मैथ के। उनका जो लेवल रहता है वो 12th तक का रहता है, यानी जो मैथ के क्वेश्चन है 25 वो 11th और 12th के आएंगे, और जो 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं वो भी 11th और 12th में से आएंगे। तो इसके लिए हमें टाइम मिलता है सिर्फ 30 मिनट्स, और जो डीबी का एग्जाम होता है उसके लिए मिलता है हमें 45 मिनट, 60 क्वेश्चन 45 मिनट, और जीडी के लिए 50 क्वेश्चन और 30 मिनट। और अगर आप जीडी का एग्जाम देते हैं तो आपको जीडी का एग्जाम जिसमें कि 60 क्वेश्चन आते हैं और डीबी का एग्जाम जिसमें कि 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये दोनों एग्जाम अलग अलग होते हैं, इनको देना होगा। और जीडी के लिए दोनों की कट ऑफ को मिलाकर एक कॉमन कट ऑफ बनेगी। आपको दोनों कट ऑफ क्लियर करके लास्ट में जो कॉमन कट ऑफ बनेगी, जैसे कि 81 या 82, तो उसको क्लियर करना होगा। अगर आप डीवी का एग्जाम देते हैं तो सिर्फ पहला सेक्शन देना पड़ेगा, यानी जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट मिलती है, वो देना होगा। और अगर आप जीडी का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको जो 60 क्वेश्चन वाला पेपर है, पेपर 1, वो भी देना होगा, और जो 50 क्वेश्चन वाला पेपर है, पेपर 2, वो भी देना होगा, जिसमें कि 30 मिनट मिलती है आपको करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने की कोशिश ना करें, ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट, और हो सकता है आप केवल और केवल जीके ऐसे सब्जेक्ट है जिसको छोड़कर भी आप थोड़ा बहुत एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जीके के केवल 5 क्वेश्चन आते हैं। आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस को छोड़कर क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्जाम को। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं या बहुत ही डीपली जाकर पढ़ने हैं। आप अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो इजी आते हैं, उनका लेवल थोड़ा हाई ज़्यादा नहीं होता। उसमें जो खेल होता है टाइमिंग का होता है, आपको टाइम को ध्यान रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और क्वेश्चंस हैं ज़्यादा। बात कर लेते हैं कोस्ट गार्ड डीवी एग्जाम के बारे में, तो उसमें आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं और समय सीमा होती है केवल 45 मिनट। तो आपको 45 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन करने हैं, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। मेरी राय यह है कि आप शुरू से जब क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हर एक क्वेश्चन को करते चलें, चाहे आपको आता नहीं हो उसको करें। और उसमें एक ऑप्शन आता है होल्ड फॉर रिव्यू, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ें। उससे ये होता है कि जब आप पूरा एग्जाम कर देंगे उसके बाद जो आपने रिव्यू के लिए रख रखे हैं क्वेश्चन वो सारे आ जाएंगे, फिर आप उनको दोबारा से देख के उनका ऑप्शन बदल के कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम करते रहते हैं क्वेश्चन और लास्ट तक जाते जाते समय समाप्त हो जाता है, हमको जो क्वेश्चन हमने छोड़े उन्हें करने का टाइम नहीं मिलता। और जब हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आपको इसलिए शुरू से ही सारे क्वेश्चन करने हैं, और फिर बाद में अगर टाइम मिलता है तो जो रिव्यू के लिए आपने बचा रखे हैं उनको आप कर सकते हैं। हाँ तो अब बात करते हैं हम कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बारे में। उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और समय सीमा होती है केवल 30 मिनट, और उसमें 25 फिजिक्स के और 25 मैथ के करने होते हैं। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को पहले करें, क्योंकि अगर वो आपको आते हैं तो आप उनको सेकंडों में कर सकते हैं, उनमें टाइम नहीं लगता। तो आप पहले फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस करते हुए मैथ की तरफ बढ़ें, और मेरी राय इसमें भी यही रहेगी कि आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ करते चलें, जो नहीं आते उनको भी, और होल्ड फॉर रिव्यू पर क्लिक करके उसको बाद में देख लें। पर शुरू में आप सबको करते चलें, पहले फिजिक्स के खत्म करोगे तो आपके माइंड से प्रेशर भी हट जाएगी कि 25 क्वेश्चन तो हो गए, 25 बचे, फिर मैथ के जो पोर्शन है उसको आप इजीली देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत ही हार्ड लग रहा है, तो उसको तुरंत कोई सा भी ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ जाएं, और होल्ड फॉर रिव्यू के लिए लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसको देख लें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी बात को क्यों माने, इसकी बातों पर क्यों विश्वास करें। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कोस्ट गार्ड का एग्जाम क्लियर कर दिया था, ये रहा मेरा स्टेज 2 का एडमिट कार्ड। और कोस्ट गार्ड ही नहीं, केवल मैंने एनडीए भी क्लियर कर रखा है, और एयरफोर्स का भी एग्जाम दिया था तो उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, उसके वेट में हैं हम। तो
तो मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है एग्जाम देने का, कैसे एग्जाम देने हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चंस को एक तरफ से करते रहें और बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ें नहीं, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें चाहे आता हो या ना आता हो। अब आप जानना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से हम उनको देख पाए, तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी सारा क्वेश्चन पेपर जो वहाँ आया हो ऑनलाइन वो आपको सामने मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं जैसे कि हम हैं या और हैं, वो कुछ क्वेश्चंस को याद करके ले आते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था, उसी के बेस पे टेस्ट ऊपर कुछ टेस्ट पड़े हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें सारे क्वेश्चंस तो वही नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो बच्चे याद करके वहाँ से आते हैं वही मिलेंगे। तो आप टेस्ट बुक या फिर कोई दूसरा भी ऐप जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं होते, लेकिन 98% क्वेश्चंस वही होते हैं जो वहाँ आते हैं, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पा सकते हैं। अब बात आती है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, मैं आपको बता दूं कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो नाविक जीडी की कट ऑफ लगभग 68 के बीच में होती है, और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको लगभग 85 या 85 से 90 के बीच में नंबर होने चाहिए। और करते हैं अब नाविक डीवी की कट ऑफ के बारे में बात, तो उसके लिए लगभग 4550 के बीच में नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे स्टेज 1 और 2। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके 50 से ऊपर हैं या 55 हैं या 52 हैं, तो आप निश्चिंत होकर रहें। नाविक देवी के बारे में मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ लगभग 45 से 50 के बीच में रहती है, और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके नंबर 50 से ऊपर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ध्यान रहे कि आप सारे क्वेश्चंस को समय सीमा में अटेम्प्ट करें और 50 से ऊपर नंबर लाएं। अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में, 2022 में न्यू वैकेंसी कब आएंगी। जहाँ तक कि मुझे लगता है और कहीं से रिपोर्ट भी आई है, लगभग 17 अप्रैल के लगभग आपको न्यू वैकेंसी की डिटेल्स मिलेंगी। अपनी कोई आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में उसे लिखना ना भूलें, मैं आपकी हर एक क्वेरी का जवाब दूंगा। और अगर आपको किसी भी विषय पर और कोई वीडियो चाहिए स्टेज 1 से रिलेटेड या फिर स्टेज 2 से रिलेटेड या फिर NDA से रिलेटेड, NDA का एग्जाम कैसे देना है, क्या आता है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे और हो सके तो एक वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू।